लोकल एक्सपीरियंस, लोग कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कहीं पे भी कोई किस्म का खाना खा सकते हैं, सारे देश में जाके खा सकते हैं, लेकिन जब वो हमारे स्टेट में आए दे शुड बी एबल टू गेट अंडरस्टैंड द यूनिकनेस ऑफ द स्टेट, अंडरस्टैंड द बेसिक कल्चर ऑफ द स्टेट एंड गेट अ लोकल एक्सपीरियंस। इसी सिलसिले में ये अलग अलग जो है हमने ये चीज़ें की हैं और आगे भी हम ये लोग ये करते रहेंगे, बाकी स्टेट्स में भी जाएंगे। अभी हमारे इरादा है कि हम बाकी स्टेट्स में अपने जो हैं वहाँ पे भी अलग अलग जगह पे जाके फूड फेस्टिवल्स करें, हमारा J&K स्टेट के जो अलग अलग कुजींस हैं उसका फेस्टिवल करें। आप जानते हैं कि दिल्ली हार्ट में ऑलरेडी हमारा एक आउटलेट है जहाँ हमारा कश्मीरी फूड और डोगरी फूड जो है वो वहाँ एक लोग आके वहाँ रिलिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे वी विल बी एबल टू ब्रिंग मोर पीपल हियर, अट्रैक्ट मोर पीपल एंड गिव देम अ लोकल एक्सपीरियंस। सर, ये जो कश्मीरी फूड फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, इस फेस्टिवल में कश्मीरी से रिलेटेड क्या स्टॉल रहेंगे और टाइमिंग क्या रहेगी? ये देखिए, नॉर्मली जो बाहर फेस्टिवल होता है इवनिंग्स में हमारा फेस्टिवल स्टार्ट होगा 7 PM, 6:30 शाम 6:30 के करीब स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम एक यूनिक जो इस कल्चर के साथ वाबस्ता जो चीज़ें हैं इस वो भी हम रखें, और उसके अलावा जो हमारे हमने वहाँ पे बूफे स्टॉल्स जो हैं वो सेटअप किए हैं, जो कश्मीरी पंडित वाजवान होता है जिसमें कश्मीरी हाक होती है, अपना चकवांगन होते हैं, सिमिलरली हमारे जो आपके मच्छ होता है, कबरगा होता है, जो एक ट्रेडिशनल कश्मीरी पंडित वाजवान में दिया जाता है इन अ ट्रेडिशनल मैनर, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं। हम अपना काफ़ी चीज़ एक तो बाहर के लोगों के लिए अट्रैक्शन है और हम अपनी ट्रेडिशंस को भी कई जगह पे भूल चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कश्मीरी वाजवान जो सर्व किया जाता है वो एक तरामी में सर्व किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विद इन कश्मीर ऑल्सो जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो जो हैं दे ऑल्सो हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कुजीन। सो उस सब कुजीन्स को हम बड़ा बढ़ावा देना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर टुगेदर, ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ द सेम लार्जर कल्चर, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने टेस्ट्स हैं, जितने हमारे आइडियाज हैं, उनको हम एक इकट्ठे मिलकर आगे चलें। फेस्टिवल के साथ जैसे फूड स्टॉल की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई फूड स्टॉल के अलावा जो हमारे म्यूजिक है, जो कश्मीरी म्यूजिक है जिसमें फोक म्यूजिक जो है उसको हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूनिक टू कश्मीर, जैसे हमारा संतूर है, हमारा रबाब है, हमारा नोट है, इसके अलावा जो आपकी तुम्बक नारी है, और जो एक ट्रेडिशनल कश्मीरी फोक म्यूजिक है वो भी इसके साथ, ताकि हम उस किस्म की एक एम्बियंस क्रिएट कर सकें। एंट्री फ्री होगी? जी हाँ, एंट्री फ्री है। और ये फेस्टिवल क्योंकि प्रमोशनल है, हमारे रेट्स भी जो हैं हमारे जो है वो भी हमने बहुत कम रखी हैं। इट इज़ नॉट समथिंग विच वी कंसिडर एज अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग कि हमने इसमें कॉरपोरेशन ने इसमें पैसा कमाना है, बट इट इज़ मोर एज अ प्रमोशन इन ऑर्डर टू सी। हमारी कोशिश है कि JKTDC में हम ऑलरेडी जैसे VC साहब ने फरमाया, हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हम काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, जो हमारा जो भी स्टाफ है जिसका इंटरफेस टूरिस्ट के साथ होता है उसको प्रॉपरली ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। या हमारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, इसी तरह श्रीनगर में हमारा होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, और भी कई ऐसी संस्थाएँ हैं। वी आर ऑल्सो अलाइनिंग विद यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं जहाँ पर टूरिज़म के फील्ड्स हैं, ताकि हम इस सब चीज़ में प्रोफेशनलिज्म ला सकें एंड वी आर एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विस एंड अ बेटर क्वालिटी सर्विस टू द पीपल।